Good morning, students. Today we will be starting a new topic of our writing section, that is invitation and replies. कैसे हम इनविटेशन बनाते हैं और कैसे उनको हमें उनका जवाब देना चाहिए, दोनों ही चीजों के बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मार्किंग स्कीम. कितने मार्क्स का बोर्ड में आता है? 4 मार्क्स जो है इनविटेशन एंड रिप्लाई दोनों के लिए ही ये जो है ये 4 मार्क्स के आते हैं. इनका जो बाइफर्केशन होता है वो होता है 1+2+1. इस हिसाब से इस फॉर्मेट में मार्क्स दिए जाते हैं. पहला 1 है फॉर्मेट जो है हमारा जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें हमने आंसर दिया है या नहीं दिया है. सेकंड जो आता है हमारा कंटेंट के लिए आता है, हमारा कंटेंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है, हम समझ पा रहे हैं जो पूछा जा रहा है उसी के रिलेवेंस पे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं. लास्ट का जो 1 मार्क्स है ये है एक्सप्रेशन का. ये हमारा मार्क्स है एक्सप्रेशन का. अब एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करना चाह रहा है? एक्सप्रेशन में ये इंक्लूड कर रहे हैं ग्रामेटिकल एक्यूरेसी प्लस स्पेलिंग एरर्स. अगर हमारा इनविटेशन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, स्पेलिंग एरर नहीं है, तो ही विल गिव अस 1. अगर है तो वो काट सकता है. तो अब इनविटेशंस होते क्या, ये तो था कितने मार्क्स का आता है. अब हम बात करते हैं इनविटेशन क्या है. देखो, इनविटेशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ पर्सनल नोटिस सेंड इंडिविजुअली टू पीपल, है ना. देर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन. जब हम इनविटेशन की बात करते हैं तो 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशंस और इनफॉर्मल इनविटेशंस. 2 तरह के होते हैं. इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एन इनविटेशन कार्ड विच इज अ फॉर्मल वे टू इनवाइट एनीवन, है ना, इनवाइटिंग रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स एटसेट्रा टू अटेंड एनी पर्टिकुलर फंक्शन, ओकेजन, एंगेजमेंट, मैरिज, बर्थ, डेथ, पब्लिक वैसे तो इनके बारे में. इट इज इन्विटेशन की हम बात करें तो इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल एटिकेट्स. इनफॉर्मल इन्विटेशन जो होते हैं दे आर एड्रेस्ड और दे आर फ्री हैंड राइटिंग्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. फॉर्मल इन्विटेशन को हम फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कार्ड और लेटर. दे आर एड्रेस्ड इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट टू अ पर्सन इन अ डिपार्टमेंट हैविंग अ डेजिग्नेशन विद प्रॉपर सैल्यूटेशन एंड ऑल. सो अभी बहुत कंफ्यूज होंगे ना, सबके पार्ट्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ देखते हैं. देखो, इन्विटेशन की हम बात करें तो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हमारे, कौन कौन से, फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना. यहीं पर इन जो फॉर्मल इन्विटेशन है ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. एक हो गए कार्ड फॉर्मेट में और एक हो गया लेटर फॉर्मेट में. अभी ठीक है, इस तरह से जो है वो डिस्क्रिप्शन होता है. एक तीसरी ब्रांच और निकालेंगे, ये होगी रिप्लाईज, कैसे हम लिखेंगे. रिप्लाईज में भी देखो, फॉर्मल लेटर का या फॉर्मल इनविटेशन का जो रिप्लाई होगा वो फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में होगा और इनफॉर्मल का जो होगा वो इनफॉर्मल लेटर के उसमें इसका रिप्लाई होगा. तो ये चेन है, ये वो हायरार्की है जो हमको फॉलो करनी होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनविटेशन. सो वेरी फर्स्टली वी विल बिगिन विद फॉर्मल इनविटेशन. हम लोग फॉर्मल इनविटेशन से शुरू करेंगे. फॉर्मल इनविटेशन क्या है? इन फॉर्मल इनविटेशन कार्ड वन स्टार्ट्स विद द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजर फॉलोड बाय नेम, एड्रेस ऑफ द होस्ट, डिटेल्स
अबाउट डेट टाइम वेन्यू ऑफ द फंक्शन एंड द नेम ऑफ द चीफ ऑर्गेनाइजर. जो चीफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो नेम है वो आरएसवीपी के साथ मेंशन होगा ऑन द बॉटम साइड लेफ्ट हैंड कॉर्नर को. अभी हम देखेंगे इसका फॉर्मेट देखेंगे हम. अब देर आर सर्टन गाइडलाइंस जो कि होती हैं जो हमें फॉर्मल इन्विटेशन लिखने से पहले याद रखनी होती है. वो क्या है? गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बिफोर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर. सबसे पहली चीज हमें लिखनी है कि फॉर्मल इनविटेशन डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेसी. जो एड्रेसी है उसका नेम फॉर्मल इनविटेशन में कहीं भी इंक्लूड हम नहीं करेंगे. दूसरा है फॉर्मल इनविटेशन आर ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन. दैट इज he, she, it ये यूज करे जाएंगे इन प्लेस ऑफ आई यू वी. सो इस तरह से हम देखते हैं कि ही शी और इट का यूज होगा. द ओकेजन नेम ऑफ द इनवाइटी नेम ऑफ द होस्ट डेट डेट टाइम वेन्यू ये सारी चीजें जो है ये प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए जब हम एक फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड लिख रहे हैं ना. सब मोर डिटेल्स लाइक जो है ये बिल्कुल क्लियरली उसमें होनी चाहिए. इफ अ वीआईपी इज इनवाइटेड अगर हमारा ऐसा फंक्शन है जिसमें कि हम किसी वीआईपी को इनवाइट कर रहे हैं तो उसका नेम भी बहुत प्रॉम्प्टली हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, ये सारी गाइडलाइन से फॉर्मेट देखते हैं हम. कार्ड फॉर्मेट देखते हैं. सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम फॉर्मल इनविटेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया था ना. कार्ड इनविटेशन कैसा होगा इसका जो फॉर्मेट है वो हम देखते हैं. एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, चलो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन है हमारा लेट्स से एक पार्लर है वो ओपन हो रहा है. ये सारे पार्लर बंद पड़े हैं, लड़कियां परेशान हैं, तो एक पार्लर ओपन करते हैं. चलो अ पार्लर इज बीइंग ओपन फॉर लेडीज. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू ड्राफ्ट एन इनविटेशन फॉर द इनॉग्रेशन विच इनॉग्रेशन है और सारी नेसेसरी डिटेल उसमें इसके रिलेटेड हम लिखते हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं नाम से. नाम क्या है या कौन सी एसोसिएशन है जो ले रहे हैं? चलो हम देखते हैं एम एस फैशन. ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जो कि खोल रही है उसको, है ना. तो ये यहां क्या हो गया, हम यहां हम लिखते चले जाएंगे. सबसे पहले क्या हो गया? नेम हो गया किसका? होस्ट का. या हम ऑर्गेनाइजर भी बोल सकते हैं. अब यहां हम क्या लिखेंगे? अनाउंसेस. क्या अनाउंस कर रहे हैं? द ओपनिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ किस चीज की ओपनिंग हो रही है? ऑफ देयर एक्सक्लूसिव पार्लर. उसकी वो ओपनिंग कर रहे हैं. किसके लिए है वो? फॉर वुमेन. एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर वुमेन कहां पर? जगह का नाम है 80 माल रोड. राइट, तो यहां ये क्या हमने क्लियर कर दिया? हम क्या लिखेंगे? नेम, डेजिग्नेशन, है ना, और होस्ट या ऑर्गेनाइजर कौन है वो हमने क्लियर कर दिया. इसके बाद हम हमें वेन्यू बताएंगे. हम SNIP स्निप नाम रखा है. क्या हो रहा है इसका? इनॉग्रेशन हो रहा है.
इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। कब हो रहा है? ऑन सैटरडे ना, डेट बता दी हमने, सैटरडे को हो रहा है। सैटरडे को डेट क्या है? लेट से 18 अगस्त 2020। सैटरडे को 18 अगस्त 2020 को कितने बजे? एट 11 AM टाइम बता दिया हमने। बाय कौन कर रहा है? हम लिख देते हैं बाय सुपरस्टार, किसी भी सुपरस्टार का आप नाम लिख दो, दीपिका का लिख दो, ठीक है। नाम हम जो होस्ट है, क्योंकि वीआईपी को हम बुला रहे हैं, जिन्होंने लिखा था मेंशन किया था वीआईपी को बुला रहे, तो उसका नाम हम मेंशन करेंगे, वो हमने मेंशन कर दिया। अब हम ऑल आर कॉर्डिनली इनवाइटेड, हमने सबको इनवाइट कर दिया। यहां पे हमने लिख दिया आरएसवीपी, कौन है आरएसवीपी? कौन है? हम नाम लिख देंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेट से मान्या सिंह, यहां नाम लिख के कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे हम। और इसको हमने क्या करा, बॉक्स में बंद कर, ये हमारा कार्ड फॉर्मेट जो है वो तैयार हो गया। तो दिस इज हाउ, इसी फॉर्मेट में हमको कार्ड को तैयार करना है। ये था कार्ड फॉर्मेट। अब हम आते हैं लेटर फॉर्मेट पे। लेटर फॉर्मेट सेम, हमको लेटर के उसमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, कौन सेंड कर रहा है। क्योंकि फॉर्मल है तो यहाँ पे लेटर हेड नंबर जरूर होता है, जितने भी फॉर्मल इनविटेशन होते हैं लेटर हेड होता है उनका, ठीक है। इसके बाद डेट मेंशन कर देंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ हम रिसीवर्स एड्रेस, उसको कर देंगे रिसीवर एड्रेस। के बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देंगे हमारा। हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? इनविटेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे, इनविटेशन फॉर एनुअल फंक्शन, जो भी हमारा है हम उसको डाल देंगे। सब्जेक्ट के बाद हम सैल्यूटेशन डाल देंगे, रेस्पेक्टेड सर एंड मैम एंड ऑल ब्ला ब्ला, जो भी हमको लिखना है। उसके बाद कंटेंट है हमारा, इस कंटेंट में हम क्या मेंशन करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। देखो, इस कंटेंट में हम मेंशन करेंगे डेट, टाइम, वेन्यू, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और ओकेजन क्या है। हम मेंशन करेंगे ओकेजन क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें मेंशन करेंगे। लास्ट में सब्सक्रिप्शन लिखते हुए, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली लिखते हुए यहां पर हम सेंडर्स नेम और डेजिग्नेशन, यहां पर हम इसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मेट ऑफ अ लेटर है ऑफ इनविटेशन, ये पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल इनविटेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के उसमें ही लिखा जाएगा। तो क्या फॉर्मेट होगा इसका? यहां हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिख देंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, यहां हम लिखेंगे
रिसीवर्स एड्रेस लिखते थे ना हम, यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट में लिखा, रिसीवर एड्रेस ने लिखा, ये चेंज हो गया है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ओकेजन बताएंगे। यहाँ कंटेंट आ जाएगा हमारा, कंटेंट में क्या क्या आएगा हमारा, क्या ओकेजन है, किस ओकेजन के लिए हम लिख रहे हैं। सेकंड हम जरूर मेंशन करेंगे डेट, टाइम और वेन्यू क्या है हमारा, किस जगह पर है हमारा। डेट, टाइम और वेन्यू हम मेंशन करेंगे यहां पर। सब्सक्रिप्शन लिखते हुए नेम मेंशन कर देंगे। ये हमारा फॉर्मेट होगा किसका, इनफॉर्मल इनविटेशन का। इस फॉर्मेट में हम इनफॉर्मल इनविटेशन को लिख देंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्लाइज। ये जो इनविटेशन है इनके रिप्लाइज के बारे में बात करेंगे। देखो क्या होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं। रिप्लाई टू एन इनविटेशन इज रिटन टू द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू द इनविटेशन। आपको उसने इनवाइट किया, आपको मिल गया, तो उसके बारे में दिखाएंगे। इट ऑल्सो इन्फॉर्म्स द होस्ट वेदर यू आर कमिंग, यू आर अटेंडिंग द फंक्शन और यू आर नॉट एबल टू। अ गुड रिप्लाई इज ऑलवेज प्लेजेंट। हर कोई इंतजार करता है ना इस रिप्लाई का। आजकल व्हाट्सएप पे होने लग गए हैं, फोन पे होने लग गए हैं, लेकिन एक राइटिंग का जो राइटिंग इन रिप्लाई जो होता है दैट इज ऑलवेज वेलकम। तो इसलिए लिखे जाते हैं। अब फॉर्मल रिप्लाईज की हम बात करते हैं, तो फॉर्मल रिप्लाईज इन्वॉल्व्स अ सर्टेन स्टैंडर्ड एंड फॉर्म। दे आर यूजुअली वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। इन अ फॉर्मल रिप्लाई फर्स्ट द इन्विटेशन इज बीइंग एक्नॉलेज्ड। हम खुश होते हैं दैट वी आर वेरी हैप्पी, आपने इस लाइक समझा हमको। फॉर विच वी थैंक एंड इट इज रिटन इन थर्ड पर्सन। एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड और रिग्रेट इज इन्फॉर्म टू द पर्सन इफ दे आर अनेबल टू अटेंड द ओकेजन। सो अगर हम एंड वी ऑल्सो मैंशन अ स्पेसिफिक रीजन इफ वी आर नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन। तो इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। जैसे लेट्स से हमको एक इनवाइट मिला शादी में आने का, हमको इनवाइट मिला। अच्छा ये और देखो रिप्लाई जो होगा फॉर्मल इनविटेशन का क्या होगा, फॉर्मल लेटर के फॉर्म में होगा। इनफॉर्मल का कैसे होगा, इनफॉर्मल लेटर के रिस्पॉन्स में ही, के फॉर्मेट में ही हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लाइक अगर हम आना जो हम खुश हैं, हमें पता है हमें आना है, हम जाएंगे जरूर, तो हम कैसे लिखेंगे। लाइक वी आर वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, इट्स आवर प्लेजर दैट यू आर इनवाइटिंग अस, एंड वी आल्सो फाइंड इट आवर प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन, डेफिनेटली वी विल बी देयर। और अगर हम मना कर रहे होते हैं तो भी हम लिख देते हैं दैट वी आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव सेंड अस द इनविटेशन ऑफ सच एंड सच ओकेजन, बट वी रिग्रेट दैट ड्यू टू सम प्रायर मीटिंग्स और प्रायर बिजी शेड्यूल वी विल नॉट बी एबल टू अटेंड योर फंक्शन। तो ये दोनों जो चीजें हैं हम बिल्कुल क्लियरली कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी राइट इनविटेशन एंड वी गिव देयर रिप्लाई। सबसे इजी स्कोरिंग है रिप्लाई जो है, इनविटेशन के जो रिप्लाई हैं ये सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग है। नोटिस के बाद सेकंड बेस्ट मार्क्स जो हैं हमें राइटिंग सेक्शन में इसी में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।